हम स्पीच का हिंदी में स्पीच का पत्रखंड का सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके हमने चार पार्ट्स पढ़ लिए थे, दो रह गए हैं, आज वो पढ़ेंगे, फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें तो कालू हाकु जनु लावा, बार बार लागित बुलावा, सुनत लखन के बचन कटोरा, परसु सुधारे धरे घर घोरा, अब जनई देही दोसु मही लघु, कटुबदी बालक बद जोगु बोल, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब महे अब यहु मनिहारा भासाचा, कोशी कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गिनई न साधु, कर कुठार में अकुरन काहे, आगे अपराधी गुरु दोई, उत्तर देत छोड़े बिन मोरे, केवल कोशिक शील तुम्हारे, ने यही कोटी कुठारे, उरनी हो तो शर्म थोरे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है मोही, मोही माने होता है मेरे लिए, ठीक है। परसु माने जो उनका फरसा था उसको, और बद जोगु, बद माने बद के जो योग्य होता है, कठोरा माने कठोर, ठीक है। तो क्या कहते हैं पहले लाइन में देखो, तुम्हें ही तो कालू हाक जनु जावा, बार बार मोही दिखावा। तो लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी से कहते हैं कि आप मानो काल को हाक हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं, ठीक है, बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन, इस प्रकार लखन के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम सुधरई इधर घोरा, परशुराम ने क्या करा, अपने फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और फिर बोले, अब जनेहू देशु मोही लागू, कटु बादी बालकु बद जोगी, अब कोई भी लोग मुझे दोष मत देना, ठीक है, कोई भी व्यक्ति मुझे दोष मत देना, यह जो मुझे दोष नहीं देना, ये कड़वा बोलने वाला जो बालक है, अब मेरे जो मेरे ये मारने योग्य है, अब ये जो कटु वचन बोलने वाला जो बच्चा है वो मेरे मारने योग्य है, बाल बाल बालू की बहुत बाचा, अब ये मनिहार ने साचा, ठीक है। तो वो कहते कि मैं इसे बार बार, इसे बालक समझकर मैंने इसे बहुत देर से मैं इसे बचा रहा था, लेकिन अब ये सचमुच क्या है, मरने के योग्य है, ठीक है, मनिहार बार बार मरने के योग्य है, कोशी कहा क्षमा अपराधु, बाल दोष गणे जाते। तो इस प्रकार कोशिक माने विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी जो होते हैं वो कहते हैं परशुराम जी से, वो बोलते हैं कि भाई जो गुरु विश्व जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि बालकों के जो वो होते हैं, जो गुण दोष और गुण होते हैं, साधु लोग जो है उनको गिनते नहीं है, ठीक है, बालकों के गुण और दोष को साधु लोग गिनते नहीं है, कर कुठार में अकरुण का ही, आगे अपराधी हृदय। परशुराम बोले कि मेरा जो ये तीखी धार वाला फरसा है, मैं इस पर बहुत ज्यादा क्रोधी हूँ, आगे अपराधी गुरु दोही, ठीक है, मैं दया रहित क्रोधी हूँ और मैंने इसे यह गुरु द्रोही अपराधी गुरु द्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे उत्तर देते छोड़े, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केफल सिलू इतबारे, इसलिए हे विश्वामित्र तुम्हारे स्नेह के कारण मैं इसे बिना मारे, प्रेम के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो यही कोठी कुठारे, गुरही उरनी शमोधारे, ठीक है, नहीं तो इसे कठोर फरसे से काट कर मैं थोड़े से परिश्रम से गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता, ठीक है। विश्वामित्र जी गुरु अनुग्रह और मैं इसके उससे क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। गादी सुनो कहे हृदय हसी मुन रोई, हरे रे सूझ अमह बे खाड़ ने उखमई, अजा उन्हें भूज अज भूज। विश्वामित्र जी को जो है मन में हंसकर बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो ऋषि हैं यानी कि परशुराम जी जो हैं, उनको चारों तरफ क्या सूझ रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है, क्योंकि वो जो राम और लक्ष्मण है उनको मामूली क्षत्रिय समझ रहे हैं। अमय खाड़ ने उभय अचो ने अपजाई, क्योंकि वह दोनों जो हैं राम और लक्ष्मण क्या हैं, लोहे की खाड़ हैं, और जो परशुराम जी उन्हें किसकी खाड़ समझ रहे हैं, खाड़ समझ रहे हैं, मामूली गन्ने की खाड़ समझ रहे हैं, जो कि मुंह में डालते ही गल जाती है, ठीक है। अब ये जो मुनि है वो क्या है, बेसमझ है, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए, कहू लखन मुनि सुलु तुम्हारा, कोई नहीं जानी वितित संसारा, माता पिता उर्नी भाई नी के, गुरुनु रहा सोचू बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ जाड़ा, अब आ नहीं बिहारी बोली, तुरंत देहू में थैली खोली, सुनी कटु बचन कुठर सुधारा, हाय हाय सब पुकारा, भृगु बर परसु देखा भई बोरी, बिरप बिचारी बचो निर्भदोही, मिले ने कभो सुपट रन गाड़े, दिज देवता धरई के बाड़े,
अनुचित कही अब सब पुकारे, रघुपति सेनी लखन निभारे। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु वर गोपु पुरुषानु, बढ़त देखी जल समझ सम वचन बोले रघुकुल भानु। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है, कहू कहू माने होता कहा, कहू माने कहा, ठीक है। और विदित माने होता है जानना, किसी चीज को जानना, ठीक है। और उर्नी यानी कि जो ये माता पिता उर्नी भाई भी के, ठीक है। और गुरु गिरन, गुरु की जो गिनती होती है उसको कहा जाता है। हमरे माथे, माथे होता है जो माथा होता है, ठीक है। और वहरी बोला होता है, बहरी माने होता है बलमा, बहरी माने होता है हिसाब करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले लाइन देखो, कहू लखन बचन सीलो सुजाना कोई नहीं विद संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उर्नी भाई नी के, गुरनी रहा सोचू बड़े जी के। कि भाई माता पिता के, माता पिता से तो तुम भलीभांति ऋण मुक्त हो चुकी हो, ठीक है। अब गुरु गुरु के ऋण को आप पर रह गया है, ठीक है। जिसका मन पर बड़ा बोझ है, सोजन हमरे माथे काड़ा, ठीक है। और उसको क्या है, वह ऋण हमारे लिए, आप हमारे लिए माथे, वह ऋण मानो हमारे ही माथे पर निकाला जा रहा है। दीन चल बिज, अब बहुत दिन बीत गए इसलिए उस पर क्या लग गया होगा, ब्याज लग गया होगा, ठीक है। बहुत दिन बीत गए इसमें उसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब जाने ही बोला, अब ऐसे करते हैं किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए तुरंत थैली में, इसलिए मैं तुरंत ही उस थैली को खोलकर उधार को चुकता कर दूंगा। सुनी बटन वचन कुठ सुधारा। इस प्रकार लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर, जो परशुराम जी हैं, ठीक है, लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम ने क्या करा, अपना फरसा उठा लिया, हाय हाय सब पुकारा, और सभा में सब हाय हाय क्या करने लगे, पुकारने लगे, ठीक है। भृगु परशु देखा वही मोही, और जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी ने कहा हे भृगु श्रेष्ठ ब्रिप विचारी प्रमुनत, आप मुझे बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हो। पर हे राजाओं के शत्रु, मिले न कपटु सुन रहु गाटे, दिज देवतर एक माटे। कि मैं पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर, ठीक है, अब तक बचा रहा था, पर लगता है कि आप रणधीर बलवान वीर नहीं, आपको अभी तक कोई भी बलवान नहीं मिले हैं। अनुचित कही सब पुकारे, ठीक है। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े होंगे, सभी लोग आप उठ, अब सब लोग जो है पुकारने लगे, रघुपति सैन्य लखन हाय हाय पुकारने लगे, यह अनुचित है, यह अनुचित है, रघुपति सैन्य ग्वाले। तब रघुपल श्री कृष्ण ने, श्री राम ने संकेत से लक्ष्मण को क्या करा, रोक दिया। लखन उत्तर, ठीक है, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवानु, बढ़त देखी जल समझ बनानु, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण के उत्तर को जो आहुति के समान थे, लक्ष्मण के जो उत्तर जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी आंखों बढ़ते देखकर रघुकुल के श्री राम जो जल के समान शीतल वचन कहने लगे, ठीक है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है आपके, उसके बाद आपको ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करने हैं जो कि आपको सेंड कर दिए जाएंगे और सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में लिखेंगे, परंतु उससे पहले सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में।